तो दोस्तों इस मूवी की शुरुआत में हमें कुछ मूवी पेपर की क्लिपिंग्स दिखाई जाती है, जहाँ पर यह दिखाया जा रहा था कि एक साइको प्लास्टिक सर्जन लोगों को किडनैप करके उनके ऊपर अजीबोगरीब प्लास्टिक सर्जरी का एक्सपेरिमेंट कर रहा है। पुलिस भी उसको खोज रही थी लेकिन उसे पकड़ नहीं पा रही थी, और उस साइको प्लास्टिक सर्जन ने अभी तक 13 से ज़्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया था। फिर इस मूवी के अगले सीन में हम एक विक्टिम को देखते हैं जिसका चेहरा उस साइको प्लास्टिक सर्जन ने पूरी तरह से बिगाड़ दिया था, और उसने उसका चेहरा इतना ज़्यादा बिगाड़ दिया था कि उसे देखकर खुद की रूह भी कांप जाए। उसके बाद हम एलेक्सा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी पहली प्लास्टिक सर्जरी करवाने आई थी, लेकिन वो सर्जरी कराने से पहले ही डर जाती है और वो अपनी प्लास्टिक सर्जरी को कैंसिल करवा के वहाँ से निकल जाती है। वहाँ से निकलने के बाद में एलेक्सा अपने बॉयफ्रेंड मेट से मिलती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे सर्जरी के बारे में पूछता है और एलेक्सा कहती है कि उसे बहुत डर लग रहा है। फिर तभी एलेक्सा की मॉम का कॉल आता है और वो कहती है कि बेका घर से कहीं पर चली गई है। एलेक्सा बेका को ढूंढने निकल जाती है और एलेक्सा फिर बेका से मिलती है। बेका एक ड्रग एडिक्ट लड़की थी, वो अपनी लाइफ से खुश नहीं थी। एलेक्सा उसे समझा कर अपने साथ लेकर वापस चली आती है। अब बाद में हम कार्ल और उसकी गर्लफ्रेंड ट्रिनिटी को देखते हैं। कार्ल मेट का फ्रेंड था और यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रिनिटी प्रेग्नेंट होती है और इस बात से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। यहाँ पर हम केनी को भी देखते हैं जो कि कार्ल का फ्रेंड था। तब भी वहाँ पे एलेक्सा, बेका और मेट आते हैं। कार्ल ने उन सभी को अपने घर पर बुलाया था ट्रिनिटी का नया गाना दिखाने के लिए। फिर कार्ल केनी से लैपटॉप मांगता है और केनी बोलता है कि वो लैपटॉप कार में ही छोड़कर आ गया है। कार्ल और केनी जब कार में देखने जाते हैं तो उनको वहाँ पर वो लैपटॉप नहीं मिलता। फिर कार्ल केनी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और बेका उस लैपटॉप की लोकेशन ट्रेस करती है, और बेका जब उस लैपटॉप की लोकेशन ट्रेस करती है तो लैपटॉप की लोकेशन पता चल जाती है। अब फिर कार्ल केनी को उस लोकेशन पर जाकर लैपटॉप को लाने के लिए भेजता है और फिर केनी लैपटॉप लाने के लिए उस लोकेशन पर निकल जाता है। वो एक घर पर पहुँचता है और वहाँ जाकर वो डोर नॉक करता है लेकिन कोई बाहर नहीं आता, और तभी एक बूढ़ी औरत वहाँ पर आती है। इस औरत का नाम ग्रेनी था और ये इस घर की मालकिन थी। केनी उस औरत से लैपटॉप के बारे में पूछता है और ग्रेनी उसे अंदर आने के लिए कहती है। घर के अंदर आने के बाद में ग्रेनी टीवी देखने लग गई थी और वो केनी से काफ़ी रूड तरीके से बात कर रही थी। इधर हम देखते हैं कि ट्रिनिटी कार्ल से अपनी प्रेगनेंसी के बारे में अपनी फीलिंग्स पूछती है, लेकिन इस बात से कार्ल बहुत ज़्यादा नर्वस था। और इधर ग्रेनी केनी को कोई जवाब नहीं देती तो केनी खुद लैपटॉप को ढूंढने लग जाता है। वो एक रूम में पहुँचता है और वो वहाँ पर बहुत सारे सामान को देखता है, और तभी वहाँ पर टिमाथी नाम का एक बच्चा आता है। उसके पास केनी का लैपटॉप था और वो लैपटॉप लेके बेसमेंट में जा पहुंचता है। केनी भी उसके पीछे पीछे बेसमेंट में चला जाता है, और बेसमेंट में केनी देखता है कि वहाँ पर सर्जरी का सामान रखा हुआ था और वहाँ पर बहुत सारी बॉटल्स और ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स भी थे। तभी केनी को वहाँ पर एक केज दिखाई देता है जहाँ पर एक लड़की पहले से ही कैद थी, और ये लड़की वही थी जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। केनी उसका फेस देखकर डर जाता है और उस लड़की की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। केनी उस लड़की को बाहर निकालने की कोशिश करता है और तभी वहाँ पर कोई आकर केनी को बेहोश कर देता है। अब इधर केनी की कोई खबर न मिलने पर उसके सारे दोस्त परेशान हो रहे थे। वे सभी दोस्त केनी को ढूंढने के लिए उसी लोकेशन की तरफ निकल जाते हैं। एलेक्सा कहती है कि उनमें से कोई एक कार में ही रुकेगा, और अगर वो लोग 10 मिनट के अंदर उस घर से बाहर नहीं आए तो पुलिस को कॉल करें। और उन सभी दोस्तों में से बेका कार के अंदर रुकने का सोचती है। वे सभी उसी घर का डोर नॉक करते हैं और तभी वहाँ पर वही बूढ़ी औरत ग्रेनी डोर खोलती है। कार्ल उसे अपने दोस्त केनी के बारे में बताता है कि वो थोड़ी देर पहले यहाँ पर आया था, और तभी ग्रेनी अंदर से डॉक्टर जीन नाम के एक आदमी को बुलाती है। डॉक्टर जीन उनको अंदर आने के लिए बोलता है और कहता है कि केनी बाथरूम में है। वे सभी अंदर आते हैं और ट्रिनिटी बाथरूम जाती है, और तब डॉक्टर जीन सभी को बियर देता है जिससे कि सभी लोग वहाँ पर पीने लगते हैं, लेकिन एलेक्सा उस बियर को नहीं पीती और डॉक्टर जीन से केनी के बारे में पूछती है, लेकिन डॉक्टर जीन उसकी बात को इग्नोर कर देता है। इधर कार में अभी भी बेका बैठी हुई थी, और तभी कार की डिक्की अचानक से खुल जाती है। बेका बाहर आकर देखने लगती है तो उसे कोई भी नज़र नहीं आता है, लेकिन अचानक से बेका को वो बच्चा टिमाथी दिखाई देता है। बेका उसको अपने पेरेंट्स के बारे में पूछती है और टिमाथी उसको देखने को बोलता है। जैसे ही बेका सीधे देखती है तो केनी को बेहोश करने वाला आदमी होता है। इस आदमी का नाम फिलिप था जो कि डॉक्टर जीन का बेटा था, और वो बेका को भी बेहोश करके घर के अंदर ले जाता है। घर के अंदर डॉक्टर जीन बेसमेंट से केनी को व्हीलचेयर पर लेके आता है, और केनी को देखकर सभी डर जाते हैं क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। डॉक्टर जीन ने केनी के फेस को प्लास्टिक सर्जरी करके बिगाड़ दिया था, और मूवी की शुरुआत में हम जिस साइको प्लास्टिक सर्जन के बारे में सुनते हैं वो डॉक्टर जीन ही था। अब कार्ल डॉक्टर जीन को मारना चाहता था और इसीलिए फिलिप कार्ल को मार के बेहोश कर देता है।
अब मैट फिलिप के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन तभी अचानक मैट भी बेहोश हो गया था क्योंकि डॉक्टर जिन ने उनके ड्रिंक्स में बेहोशी की दवा पहले ही मिला दी थी। एलेक्सा ने उस ड्रिंक को नहीं पी थी तो वो बेहोश नहीं होती है, और इसीलिए डॉक्टर जिन इंजेक्शन देकर एलेक्सा को बेहोश कर देता है। और हम देखते हैं कि फिलिप भी कार्ल को बुरी तरह से मार रहा था। उसके बाद में डॉक्टर जिन बेका को बांध के अपनी सर्जरी करने के लिए रेडी होता है, और दूसरी तरफ ट्रिनिटी को उन लोगों ने चेयर से बांध कर रख दिया था और मैट और एलेक्सा को एक बेड पर बांध दिया था। फिर थोड़ी देर के बाद में ट्रिनिटी को होश आता है और वह अपने सामने डिमाथी को देखती है। डिमाथी उसको अपने साथ में खेलने के लिए बोलता है और ट्रिनिटी बोलती है कि मेरे हाथ खोल दो, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहूँगी। जिसे सुनकर डिमाथी उसके हाथ की रस्सियाँ खोलने लगता है, लेकिन उससे वो रस्सियाँ नहीं खुलती और वो उसे खोलने के लिए फिलिप को बोलता है। फिलिप डिमाथी को वहाँ से भगा देता है और ट्रिनिटी को अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद में ट्रिनिटी बहुत डर जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। जब कार्ल को होश आता है तो वो खुद को बर्फ से भरे हुए बाथटब में पाता है। फिर कार्ल जैसे तैसे खुद को उस बाथटब से निकालता है और जब वो नीचे देखता है तो उसके दोनों पैर कटे हुए थे, और ये सब डॉक्टर जिन ने ही किया था। कार्ल अपने दोनों पैरों की हालत देखकर बहुत डर जाता है और रोने लगता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, और फिर वह किसी तरह से खुद को संभाल के रेंगते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर निकलने पर ग्रैनी टीवी देख रही थी। कार्ल फिर चुपके से वहाँ से रेंगते हुए निकलने लगता है, और तभी वहाँ पर डॉक्टर जिन उसके सामने आ जाता है और वो कार्ल को पकड़कर सर्जरी रूम में ले जाता है। सर्जरी रूम में आने के बाद में वो कार्ल को बिना बेहोश किए हुए ही उसकी सर्जरी करने लगता है। पहले डॉक्टर जिन कार्ल की आंखों को काट देता है और फिर उसकी आंखों को सिल देता है। डॉक्टर जिन कार्ल के होठों को भी बुरी तरह से काट देता है, और इस दर्द को कार्ल नहीं सहन कर पाता और इसी के कारण उसकी मौत हो जाती है। इधर टिमाथी एलेक्सा के पास में आता है और उसे अपने साथ खेलने के लिए पूछता है। एलेक्सा उसे अपनी और मैट के हाथ की रस्सी खोलने के लिए बोलती है, और टिमाथी मैट की रस्सियाँ खोलने से मना कर देता है, लेकिन वो एलेक्सा की रस्सी खोल देता है। टिमाथी एलेक्सा को वहाँ से निकाल देता है और एलेक्सा उसे बोलती है कि वो जल्दी ही वापस आएगी। फिर एलेक्सा कार में जाकर बेका को कार स्टार्ट करने का बोलती है, लेकिन बेका तो सर्जरी रूम में थी और उस कार की चाबियाँ भी वहाँ नहीं थी। फिर एलेक्सा भागकर रोड पर जाती है किसी से मदद लेने के लिए। रोड पर एलेक्सा को मार्सिया नाम की एक लड़की दिखती है। एलेक्सा उससे मदद मांगती है और मार्सिया उसे अब पुलिस स्टेशन जाने के लिए बोलती है, लेकिन तभी मार्सिया एलेक्सा को इंजेक्शन देकर उसे वहीं पर बेहोश कर देती है, क्योंकि मार्सिया ग्रैनी की ही बेटी थी, और वो एलेक्सा को फिर से ग्रैनी के घर पर वापस ले आती है। अब यहाँ पर अंदर बेसमेंट में डॉक्टर जिन ट्रिनिटी की सर्जरी करने वाला था कि तभी फिलिप आके ये बोलता है कि वहाँ से एलेक्सा भाग गई है, लेकिन मार्सिया उसको बोलती है कि वो एलेक्सा को वापस लाने में कामयाब हो गई है। इधर मैट को होश आता है तो वो अपने सामने फिलिप को देखता है, और मौका पाते ही मैट अपने सर से फिलिप को मार के वहाँ से भाग कर छुप जाता है। फिर फिलिप बेका को ला के एक बेड पर बांध देता है जिसके पीछे मैट छुपा हुआ था, और फिर फिलिप के जाने के बाद में मैट बेका के साथ में वहाँ से निकलने लगता है, और बेका उसे बताती है कि हमारे दोस्तों को उन लोगों ने बेसमेंट में ही रखा हुआ है। मैट और बेका बेसमेंट में जाके ट्रिनिटी को ढूंढने लगते हैं, और तभी वहाँ पर डॉक्टर जिन और फिलिप आकर मैट को मारकर गिरा देते हैं। ट्रिनिटी पीछे से आकर फिलिप पर अटैक कर देती है, और तभी डॉक्टर जिन आकर ट्रिनिटी का गला काट देता है, जिससे कि प्रेग्नेंट ट्रिनिटी वहीं पर मर जाती है। बेका ये सारी चीजें छुप छुप कर देख रही थी, लेकिन वो डर के मारे कुछ भी नहीं कर पाती। फिर डॉक्टर जिन मैट को ले जाके एलेक्सा से मिलाता है, और एलेक्सा की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। डॉक्टर जिन ने बहुत बुरी तरीके से उसकी प्लास्टिक सर्जरी कर दी थी। अब फिर डॉक्टर जिन मैट को ड्रग देके उसका एक हाथ काट देता है, और ये सब डॉक्टर जिन एलेक्सा को दिखाता है, और तभी बेका एक टूल से फिलिप पर हमला करके उसकी आँख फोड़ देती है, और ये सब देखकर डॉक्टर जिन गुस्से में बेका का गला दबाकर उसे मार डालता है। अब एलेक्सा पीछे से आके डॉक्टर जिन पर हमला करके वहाँ से निकल जाती है। बेसमेंट से निकलते ही उसके सामने मार्शा आती है और एलेक्सा उसे भी मार डालती है। फिलिप मार्शा को मरा हुआ पाकर बहुत रोने लगता है, और वह एलेक्सा को पकड़कर उसे मारने लगता है, और तभी टिमाथी आकर फिलिप के पैर को काट लेता है, जिससे कि एलेक्सा को चांस मिलता है और वहाँ से भागकर रोड तक चली जाती है। रोड पर आने के बाद में एलेक्सा को एक कपल मिलते हैं, और वह कपल एलेक्सा को अपनी कार में बिठा लेते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर जिन और फिलिप आते हैं, और वह उन दोनों कपल को बेहोश कर देती है, और मौका देखकर एलेक्सा उन कपल की कार लेकर वहाँ से भाग जाती है। एलेक्सा देखती है कि उस कार में टिमाथी बैठा हुआ है, और वो भी एलेक्सा के साथ में वहाँ से चला जाता है।
जिसके बाद में हम देखते हैं कि डॉक्टर जीन उन कपल्स पर प्लास्टिक सर्जरी कर रहा है। मतलब कि डॉक्टर जीन कभी भी नहीं रुकेगा और उसका ये अजीबोगरीब प्लास्टिक सर्जरी करने का एक्सपेरिमेंट चलता रहेगा। और तो और डॉक्टर जीन का साइकोपन कभी भी नहीं खत्म होगा, जिसके साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर मूवी से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं उन कमेंट्स की रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत सारे वीडियो जल्दी ही आने वाले हैं।